सब्सक्राइब कीजिए टेक इंडिया विथ पुष्पक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले वीडियो अपडेट पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, टेक इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पुष्पक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक इंडिया। दोस्तों सबसे पहले तो ये बात कि आप लोग को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे चैनल की तरफ से, जो कि काफ़ी लेट आ रही है, इसके लिए मैं बहुत 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 माफ़ी मांगना चाहता हूँ। दोस्तों कुछ टाइम नहीं मिलने के कारण मेरा वीडियो आ नहीं रहे थे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि इन्फिनिक्स नोट 4 से संबंधित मैं सारे वीडियो डालते रहता हूँ, तो इसमें मेरे व्यूअर्स ने काफ़ी कमेंट किए हैं कि जो TWRP मैंने फ्लैश किए हैं या फिर कोई कोई भी मतलब रोम में फ्लैश कर रहा हूँ या कुछ भी चीज़ फ्लैश कर रहा हूँ रिकवरी, तो मुझे IMEI की प्रॉब्लम फेस हो रही है दोस्तों। जी हाँ, ये मैंने भी देखा है कि IMEI की प्रॉब्लम आ रही है इन्फिनिक्स नोट 4 में फ्लैश करने पे, जिसके बाद IMEI उठ जा रहा है, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। तो दोस्तों उसी का सोल्यूशन मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों अगर आपके भी इन्फिनिक्स नोट 4 में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आपको क्या करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में इन्फिनिक्स नोट 4 हैंडसेट है, जो कि अभी पावर ऑफ पोजीशन में है, और मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस किया था, तो उसी संबंधित मैं वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी जिसका नाम है MAIU मेट। उसके बाद कुछ आपको फाइल्स चाहिए, जो कि मैंने स्टॉक रोम के फोल्डर से ये मैंने निकाला हुआ है, जो मैं आपको लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप चाहते हैं कि मैं रोम नहीं डाउनलोड करूं तो आप यहां से भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको कुछ ड्राइवर चाहिए, जो कि ड्राइवर मैं इसमें दे दिया हूं। आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको इसका सोल्यूशन दूंगा। तो दोस्तों ये आपका सॉफ्टवेयर है, आपको यहाँ इसको इंस्टॉल नहीं करना, जस्ट कॉपी पेस्ट करना है अपने सिस्टम में और ये यहीं से रन करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ही रन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सॉफ्टवेयर है सबसे पहले तो आप पूरा ड्राइवर डाल लीजिए ऑलरेडी अपने सिस्टम में। जैसे सिस्टम अगर आपका विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 7 है, 64 बिट है तो 64 बिट वाला, 32 बिट है तो 32 बिट वाला। ड्राइवर डालने के बाद आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ओपन करना है। यहाँ से आप रन एडमिनिस्ट्रेटर में जाएंगे और यहाँ से इसको सिंपली आप रन कराएंगे। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि विंडो एक इसका ओपन होता है, जो कि कुछ इस तरह से होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो इस तरह से देखिए ओपन हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल में, याद रखिएगा, अगर आपके मोबाइल में IMEI की प्रॉब्लम है जिससे कि आपका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, तो ही इसको ट्राई कीजिएगा। जैसे कि आपको कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, इनवैलिड IMEI आ रहा है या फिर IMEI नल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने के बाद ये इस तरह से आएगा, और इसके बाद आप यहाँ ऑप्शन में जाएंगे। सबसे पहले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको टिक करना है ओनली प्रीलोड रिपोर्ट पे, इसको चेक कर लेना है यहाँ पर है कि नहीं। उसके बाद स्विच टू एक्सटर्नल मॉडेम पोर्ट, और उसके बाद बैकअप टू बैकअप पार्टीशन है, शटडाउन। देखेंगे कि चार चीज़ में ही आपका टिक होना चाहिए, अदर चीज़ में अगर आपका टिक है तो आप इसको हटा दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्लीज़ रीसेट टारगेट, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है अपने कंप्यूटर से USB पोर्ट जो है कनेक्ट करना है, डाटा केबल जो है आपका मोबाइल। कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अपने मोबाइल को स्विच अप पोजिशन में रखना है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्विच अप पोजिशन में। उसके बाद आप यहाँ पर रिकनेक्ट का बटन जो है प्रेस करेंगे। जैसे ही रिकनेक्ट का बटन आप प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक लाइट ब्लिंक करेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली जो है डेटा केबल जो है आप अपने मोबाइल में इंसर्ट करेंगे। जैसे कि ये मोबाइल है, स्विच ऑफ पोजिशन में आपको इंसर्ट करना है, कोई भी बटन आपको प्रेस नहीं करना है, सिंपली आप इंसर्ट कीजिए। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, सेट करने के बाद आप इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद इस तरह से कुछ लिख कर आएगा इन्फिनिक्स, और नीचे लिखा रहेगा मेटा मोड करके लिख के आएगा, आप
उसके बाद फिर एक बजेगा और आप वेट करेंगे, अभी आपको कुछ करना नहीं है सिस्टम पे, थोड़ा देर आपको वेट करना है। यस, तो जैसा कि आप देख रहे हैं थोड़ा देर बाद जब ये रिफ्रेश होगा तो आपका जो यहाँ पर जो चिपसेट है सेट का, यहाँ पर एम्प्टी करके कुछ लिख कर आएगा, तो इसका मतलब आपका जो है सेट जो है ये कनेक्ट हो चुका है सॉफ्टवेयर में। अगर नॉट रिस्पॉन्डिंग करके आएगा थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा। जी हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे पीला लाइट करके जला हुआ है, इसका मतलब क्या सक्सेसफुली जो है कनेक्ट हो गया है। यहाँ पर टोटल रेड काउंट यहाँ पर दिखाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से स्क्रॉल करके अगर ये दूसरे पे है तो आपको IMEI सेलेक्ट करना है। IMEI आप सेलेक्ट कर लेते हैं। IMEI सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा देर वेट करेंगे तो इस तरह से फिर से पॉपअप होगा विंडो, और इसमें SIM1 IMEI करके क्लिक कराएगा। आपको क्या करना है, डाउनलोड टू फ्लैश इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर एक विंडो खुलेगा, इसमें यस या नो आएगा, तो आपको दोस्तों यस नहीं करना है, ये आप याद रखिएगा, आपको नो करना है। नो करेंगे जैसे ही तो एक फिर से विंडोज खुलेगी, और यहाँ पर आपको कौन सी फाइल चूज़ करना है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि TWRP में फिक्स करके एक फोल्डर दूंगा अपने लिंक पर, वहाँ से आपको ये वाली जो फाइल है आपको सेलेक्ट करना है, BPLG करके होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप जैसे कि मैंने डेस्कटॉप पर रखा हुआ, मैं डेस्कटॉप पर जा रहा हूँ। डेस्कटॉप पर जाने के बाद ये वाला फाइल सिलेक्ट कर लो, थोड़ा देर बाद ये राउंड राउंड घूमेगा और ऑटोमेटिक जो है ये डिटेक्ट कर लेगा। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर आपका बता रहा है टारगेट SW वर्जन आ गया, और आप यहाँ NVRAM डाटाबेस फाइल लिख रहा है, इसके बाद आप सिंपली ओके कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर लिख रहा है एक्सटेंशन फाइल ऑल IMEI MPT। ठीक है, तो इसके बाद ये पूछ रहा है ऑल IMEI MPT प्लीज़ फिल IMEI। तो आप यहाँ पर अपना जो है IMEI राइट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरा ऑलरेडी IMEI जो है हैंडसेट में ऑलरेडी राइट है, तो मैं आपको यहाँ पर राइट करके नहीं दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर है अपना IMEI डाल दीजिएगा, और यहाँ से डाउनलोड टू फ्लैश पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सिंपली आपका जो IMEI है सक्सेसफुली राइट हो जाएगा, और कोई भी आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों मैं इसको आपको यहाँ से चेक करके दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि मैं IMEI डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये पॉपअप खुलता है, डाउनलोड टू फ्रॉम फ्लैश कर रहा हूँ, सॉरी मैं अपलोड फ्रॉम फ्लैश कर रहा हूँ। जैसे अपलोड फ्रॉम फ्लैश किया तो देखिए यहाँ पर मेरा IMEI शो करने लगा, इसका मतलब मेरे मतलब हैंडसेट में IMEI ऑलरेडी राइट है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे आशा होगी कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। हाँ दोस्तों, और सिंपली आप डाटा केबल जो इजेक्ट मत कीजिएगा, आप यहाँ से डिस्कनेक्ट पहले कर लीजिएगा। जैसे ही डिस्कनेक्ट करेंगे उसके बाद आपका जो सेट स्विच ऑफ, फिर आप यहाँ से निकाल के हैंडसेट नॉर्मली ऑन कर लीजिए। दोस्तों मुझे ऐसा होगा कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके मेरे वीडियो से थोड़ी भी अगर आपकी हेल्प होती है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल के साथ हमेशा ऐसे ही बने रहिएगा और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। मैं आपके लिए ऐसा ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।